की जय। गजराज बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। जयकार हम का नहीं, आप जैसन लक्ष्मी लोगन का होना चाहिए। ये फूलों का हकदार हम नहीं, आप लोग हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपकी जिंदगी से दुख के कांटे निकालकर सुख के फूल बिछा दे। पर हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। मेरे पति की मौत के बाद अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं दर दर की ठोकरे खा रही होती। सहारा देने वाला तो वो ईश्वर है, हम तो केवल प्राणी मात्र हैं, उसके बंदे। मालिक, इस लड़के के माता पिता मर गए हैं, इसे आपके सहारे की जरूरत है। तो तुरंत इसका रहने का बंदोबस्त करो। लेकिन पहले से आपके यहाँ जगह खाली नहीं है। कौनो बात नहीं, हमने नया आश्रम खुलवाया है, कल लड़कियों को हुआ भिजवा देंगे। तब तक तुम इसका ख्याल रखना। जी अच्छा, जाओ चलो। काची हुआ रे, तू कहाँ है, परेशान है? शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दिया है, कल हम जो लड़कियां बाहर भेजने वाले हैं उसमें खतरा नजर आ रहा है। खतरा? अरे हम तो खुद ही खतरा हूँ, खतरों में पैदा लिया हूँ, खतरों से खेलना तो हमारी आदत है। तू तो एकदम बकुलोल है रे मदना। अरे मास्टर वासुदेव को काहे लागे रखा है नारी निकेतन में? पुलिस को तन्ने को भी शक नहीं आएगा ऊपर। तू एक काम कर, कल सुबह सुबह मास्टर को बंगले पे भिजवा दे, जा। नमस्कार मालिक। ओम स्वाहा। आवा वासुदेव। कबूतरों को दाना खिला रहे? हाँ वासुदेव, जब तक हम दीन दुखियों पशु पक्षियों को खिला न दे तब तक न हम अन्न ग्रहण करता हूँ न जल को छूता हूँ। और ये पक्षी तो सिर्फ हमारे हाथों से ही दाना चूकते हैं। आपके हाथ हैं ही दया के सागर, दान और श्रद्धा की सजीव मूर्ति हैं आप। हम तो केवल प्राणी मात्र हूँ वासुदेव। आपके द्वारा किए गए कर्म और भक्ति भाव से पूरा गांव बेहद प्रसन्न है मालिक। मगर हम प्रसन्न नहीं हूं। आओ, हमरे यहां नारी निकेतन में लड़कियों की देखभाल ठीक तरह से नहीं हो रही है, और इसका मुख्य कारण है जगह का अभाव। इसलिए कुछ लड़कियों को अपने दूसरे नारी निकेतन में भेजने का निर्णय हम लिया हूं, और ये कार्य के लिए हमका तुमसे योग्य कोई और व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। हम चाहता हूं यहां से लड़कियों को तुम लेकर जाओ। मैं? तुम्हें कोई इतराज? कैसी बात कर रहे हैं आप, आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूं? परीक्षा में जब एक विधायक के बेटे को नकल करते पकड़ने पर मेरी नौकरी चली गई थी तो आप ही ने तो मुझे सहारा दिया था। मेरा तो रोम रोम आपका कर्जदार है। आप आज्ञा दीजिए, कब जाना होगा? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं आज ही चले जाओ। ठीक है, तो मैं तैयारी करता हूं। ओम स्वाहा। अरे अरे, ये क्या, तुम तो इस इंसान को भगवान बना रही हो। स्त्री के दिल में पति का दर्जा भगवान के समान होता है। लेकिन भाई, मैं तो कुछ ही दिन के लिए जा रहा हूं। मर गई। क्या रे, हाईवे पे गाड़ी चलाना सीख रहा है क्या? ए, एक दूंगा ना, हॉर्न बजाना सुनाई नहीं दे रहा क्या? उई माँ, ना आजू ना बाजू, एकदम बीच में ठोक दिया। ना राइट ना लेफ्ट, किधर भी जाने नहीं दिया। गाड़ी चला रहा है या डांस कर रहा है? उई माँ, एक तो मेरी गाड़ी ठोक दी, ऊपर तो डांट रहा है। रानी बेबी, इस हीरो को देखो। रानी बेबी, मैं देखती हूँ तेरे को। कौन है रे तू? हाँ, अब से सुन रही हूँ, तुम इस रानी के बारे में नहीं जानते हो। नौटंकी करती हूँ और बड़े बड़े लोगों को अपनी उंगली पर नचाती हूँ। अब तेरी छुट्टी भी करती हूँ मैं। ए, नीचे उतर, अभी मजा चकाती है तेरे को।
चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। माफ कीजिएगा, गलती मेरी थी। नहीं नहीं, असल में गलती हमारी थी। अच्छा जी। ए, कहां जा रहा हमें छोड़कर? हमें भी साथ ले चल, अगले मोड़ पर छोड़ देना। और तुम्हारा ये खटारा? वो तो आता रहेगा, चले आइए। उई माँ, क्या मुस्टंडा है ना। चल। गूंगे के साथ सफर करना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम एक हाथ से भोंपू भी बजा दो। कुछ तो बोलो ना। अभी तक कुंवारा हूँ। हमारी रानी बेबी भी अभी तक कुंवारी हैं। ये क्यों बता रहे हो? ना माँ ना बाप, बस अकेला। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है इस नटखट के सिवाय। ओ, जो तुम सोचते हो ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, बीच का हूँ। ये सब क्यों बता रहे हो? दूरी का ड्राइवर हूँ। 11,000 रुपए मिल जाता महीने का, उसमें गुजारा चल जाता है। रानी बीबी और मैं भी मिलकर नौटंकी करते हैं और हमारे को मिलता है 10,000-11,000। चुप करो बस। एक लड़की को एक लड़के के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए, आपकी जगह आ गई। आप भी चलिए ना। मुझे बहुत दूर जाना है, मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए। ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ। बेशरम लड़की। चुप के आ गई जवानी।
क्या बात है मदन, तुम यहाँ? जी मास्टर जी, इस बस का परमिट इसी स्टेट तक ही है, ये बस आगे नहीं जा सकती, इसीलिए नए नारी निकेतन का बस और वहाँ के आदमी को लेकर आया हूँ। आइए राजेंद्र बाबू, ये नए नारी निकेतन के इंचार्ज हैं। अच्छा अच्छा, तो आप अब हम सबको वहाँ लेकर चलेंगे? हाँ चलो लड़के, उतरो और उस बस में जाकर बैठ जाओ। अरे चलो चलो चलो, वैसे तो आपका नाम बहुत सुना है, आप समाज सेवा भी बहुत करते हैं। बस ऐसा ही है। मुझे मुझे खिड़की वाली जगह देना बाबू। चलो राजेंद्र बाबू, पैसा निकालो। ये लीजिए आधा नारी निकेतन के नाम पे चेक और ये आधा कैश। लेकिन इस बार आप लोगों ने पैसे दुगने लिए हैं। माल भी तो ऐसा ही दिया है ना। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा, मैंने सब सुन लिया है। देवता समान गजराज बाबू के नाम की आड़ में तुम इन मासूम लड़कियों के जिस्म का धंधा करते हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। ओम स्वाहा। गजराज बाबू, आप ठीक समय पर आ गए। ये सब इन लड़कियों का धंधा करता है जी, आप इन सबको इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मगर हम करूंगा नहीं, पूछो काहे? क्योंकि सब लोगन हमरे लिए काम करत है। अब मास्टर चुपचाप गाड़ी में जाके बैठो। हरगिज नहीं कचरा चौधरी, मैं तुझे भी सारे गांव के सामने नंगा कर दूंगा, तुझे भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भागने न पाए दम खत्म कर दो। मास्टर जी, आपकी हालत? ये मेरे काम का इनाम है, मेरे पाप का अंजाम है। कौन सा काम, कौन सा पाप? लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं आपका देव हूँ, देव प्रकाश। देव प्रकाश, देवा? हाँ मास्टर जी, वही देवा जिसके भूखे बचपन को आपके रोटियों ने सहारा दिया, जिसके नंगे बदन को आपके कपड़ों ने ढका, वही देवा जिसको आपने ज्ञान भी दिया और स्कूल के फीस भी। देवा अभी वक्त नहीं है, तुम पर मेरी गुरु दक्षिणा बाकी है, चुकाओगे ना? आपको कहने में देर लगेगी मास्टर जी, मगर ऋण चुकाने में मुझे देर नहीं होगी। देवा जिस चाकू पर मेरा खून लगा है, उस चाकू से मेरे मेरे परिवार को बचाना। कौन है वो, कौन है वो मास्टर जी? भरतपुर में एक काला पिंजरा है, नारी निकेतन, जहां बेबस और तुम। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, डॉक्टर साहब, मास्टर जी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। लोग मुर्दे को शमशान घाट लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं। नहीं डॉक्टर। कहां से लाए उन्हें? नेशनल हाईवे से। ठीक है तुम यहीं रुको। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर कांतिकरण बोल रहा हूं। अभी भी हॉस्पिटल में एक आदमी एक डेड बॉडी लेकर आया है, आप तुरंत आ जाइए प्लीज। जी एक्सीडेंट से ज्यादा मर्डर लग रहा है, क्योंकि चाकू का घाव है। क्या ऐसा भी होता है कि मर्डर करने वाला खुद डेड बॉडी हॉस्पिटल लेकर आए ताकि उस पर शक ना हो? हाँ आप आ जाइए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके सुनिए, आप कौन हैं? जी मैं ट्रक ड्राइवर देवा। देखिए आप एक काम कीजिए, आप वहां बैठ जाइए, पुलिस आपका बयान लेने आ रही है।
कहीं जाइएगा नहीं, सिट डाउन। देवा, पुलिस केस में फंसने वाला है क्योंकि मर्डर तो हुआ है, तो इस वहम में नहीं रहना, ये तो सच्चा है, सच्चाई जीतती है, मगर बहुत देर बाद तुझे गुरु दक्षिणा चुकाने भरतपुर जाना ही होगा। भाग देवा, भाग, भाग यहां से, भाग। बेटे, ये गांव का सब लोग तो हर साथ है, कैसन पत्थर दिल होगा वो हत्यारा जिसने इस देवता जैसन आदमी की जान ले ली। अगर वो हमरे हाथ लग जाए ना तो वो हत्यारों को हम जिंदा ही जला डालेंगे। चलो बेटा, पहले क्रियाकरण तो कर लो। ऐसा न्याय है देवी मां, मुझे जीवन दान देकर उसके बदले में मेरे पिता की जान ले ली। अगर यही तेरा न्याय है तो अब मेरा न्याय देख। एक दिन अपने पिता के हत्यारे को इसी मंदिर में लाकर तेरे ही सामने उसकी हत्या करूंगा। नहीं नहीं बेटे, नहीं। जिसने मेरे देवता समान पति की हत्या की है, मेरी मांग का सिंदूर मिटाया है, उस हत्यारे को मैं अपने हाथों से सजा दूंगी। जा, कहीं से भी ढूंढ कर ला, खाली हाथ नहीं लौटना। अगर खाली हाथ लौटा तो मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगी। मां मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरा दूध का कर्ज अदा कर सकूं। भाई अगर इस रफ्तार से चलोगे तो डेढ़ घंटा क्या, पांच घंटे में भरतपुर पहुंचोगे। नया लाइसेंस मिला है क्या? कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है ट्रैफिक नहीं, सुनसान सड़क, और तुम ऐसे झूम के चल रहे हो। सुना है कि नया ड्राइवर और नई शादी रफ्तार बहुत तेज होती है। ऐसी बात है क्या? अब देखो मेरा कमाल। समान, समान। आ, आ,
भाग चलो उस्ताद, पुलिस वाला है, देने के देने पड़ जाएंगे। ए, क्या बकवास कर रहा है? इस वीरान सड़क पे इतनी रात को एक जख्मी आदमी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे? यहाँ बैठ, मैं देखता हूँ। मैं कहा हूं? आप चंदनगढ़ के डॉक्टर रणबीर पुष्प के यहाँ हैं। ये साहब जख्मी हालत में आपको यहाँ लेकर आए हैं। तुम? जी, मेरा नाम देव प्रकाश है। मैं भरतपुर जा रहा था, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मेरा हर हाल में भरतपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। भरतपुर तो क्या, आप कम से कम एक महीने तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, सर पे टांके लगे हैं। यूं हिलने डुलने से ये टांके टूट सकते हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपके क्लिनिक में फोन है? फोन तो आपको यहाँ से 5 कोस दूर पर ही मिलेगा। अगर भरतपुर आपको कोई संदेशा देना हो तो मुझे बताइए, मैं पहुंचा दूं। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरी जीप और मेरा सब सामान मेरे थाने में पहुंचा देना और उन्हें सब कुछ मेरे बारे में बता देना। आप घबराइए नहीं, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब, हाँ, आप इनका ख्याल रखना। डोंट वरी। आज न्याय इंस्पेक्टर का धज्ज उड़ा ही डालता हूं मैं। अरे वो हवलदार, तू बाहर जाके देख यार, अभी तक न्याय इंस्पेक्टर आया कहा ही नहीं। साला बाजी हारता ही जा रहा हूं मैं, तू चल यार। अरे भाई, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से साहब को आप तक आ जाना चाहिए था, हम क्या करें। इंस्पेक्टर साहब आ गए। आ गया? हाँ बाबू, पत्ता ऐसे ही रहने देना, चलो देखता हूँ। सलाम साहब। आवा आवा हकीम बाबू। मैं हकीम नहीं हूँ भाई। अरे डरने का कौनो जरूरत नहीं है, हमको मालूम है ये थाना के नया इंस्पेक्टर अजय कुमार तुम ही हो। हवलदार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसे कहिए कि बाहर जाए। हुजूर, इन्हें काहे को तकलीफ दे, चलिए ना, हम ही लोग बाहर चले जाते। सुना चिकने, बाहर हमको नहीं बल्कि तुमको जाना है। सोच का ची रहा है, चल चल बाहर चल। देखिए भाई साहब, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। अरे चल चल बाहर चल, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, पहले बाहर चल फिर बात करना। चल बाहर। अरे मेरी बात तो सुन। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ और यहाँ से चला भी जाता हूँ एकदम आउट। मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। का? वो जो गांधी जी की फोटो है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अब ये तुम ही लोग बताओ कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि गांधी जी की फोटो टेढ़ी रहे। अब तो ये फोटो मैं सीधी करके ही जाऊंगा और ये फोटो तब सीधी हो सकती है जब तुम लोग सीधे हो जाओ, है ना बातों मैडम? अरे हाँ शांत हो जाओ, चलो अपने अपने घर जाओ। चलो ।
तुम्हारे जाने के बाद अचानक उस दिन इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और फिर से बेहोश हो गए। कब तक होश आएगा? We can't say anything. कुछ कह नहीं सकते। सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऐसे केसेस में मरीज को होश आने में कई बार काफी दिन भी लग जाते हैं। मुझे लगता है इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देखो, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, ऐसी हालत में इन्हें कहीं भी ले जाना इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं इसे अभी कैसे बताऊं? ये गांव वालों ने मुझे इंस्पेक्टर अजय कुमार समझ लिया है। ठीक है डॉक्टर, मैं फिर आऊंगा। ठीक है। देवा, शायद यही एक रास्ता है जिससे तू अपने मास्टर जी के हथियारे को ढूंढ सकता है। तुझे मौका भगवान ने दिया है देवा, इसे मत खोना, इसे मत खोना। अरे मदन सेठ, सलाम। ठीक है ठीक है, कहां गया है वो जो नया इंस्पेक्टर है? जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो, किधर है रे साला, कहीं मेरे डर से भाग तो नहीं गया? तू ही नया ऑफिसर है, तूने ही मेरे आदमियों को मारा। आदमी? उनमें से तो मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आया, सब के सब गधे थे और गधों की तरह पीटे गए। तुम उनके लिए आए हो? उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। अपना सामान समेटो और चलो, तुम्हें भरतपुर की सरहद तक छोड़ आता हूँ। कुछ सोचो मत, अभी भी दिन है, रोशनी है, चले जाओ, जिंदा घर पहुंच जाओगे, वरना भरतपुर की पहली ही रात को मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। और अगर अभी इसी वक्त तुम पुलिस थाने से बाहर ना निकले तो भरतपुर के दिन को ही मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। तू? हाँ मैं। मर गए, शांति शांति। मैं इसे हमेशा के लिए शांत कर देता हूँ। इंस्पेक्टर हो तो ऐसन ही हो। कौन है ये? शुभ लगन मुहूर्त लेकर आया था यहां से मेरी विदाई का। नादान है, अब काहे खड़े हो जाओ? और सुनो, कभी समय अवसर देखकर साहब से मिल लेना और आज जो कुछ भी यहां हुआ है उसको सेटल कर देना। जाओ। एकदम बकलोल है सरवा, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी करता है। अरे जाओ ना, काहे खड़े हो, जाओ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव भरतपुर आपका स्वागत करता है। आपके गांव का स्वागत मुझे पसंद आया। भाई गजराज चौधरी तो किसी के यहां आता जाता नहीं है, मगर जब मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया, हमने भी तो जाना कौन कौन भले लोग हैं जो पुलिस का भी ख्याल रखते हैं। भाई यही तो बात है, जब हम पुलिस का ख्याल रखेंगे तभी तो पुलिस हमारा ख्याल रखेगी। आखिर पुलिस भी जनता की सेवा करने के लिए ही है ना। चौधरी साहब, इस बात की आप गारंटी समझिएगा, मैं जिसकी भी सेवा करूंगा खूब अच्छी तरह से करूंगा। एक बात है इंस्पेक्टर, ये हमारा गांव तुम्हारे लिए नया है। गांव में कुछ रास्ते गलियां टेढ़े मेढ़े जो अंधेरे से होकर गुजरते हैं,
उन रास्तों में तुम भटक न जाओ, इसलिए अपना रास्ता हमसे पूछ लिया करना। नहीं चौधरी साहब, मेरे भटक जाने का कोई चांस नहीं। मैं जिस काम के लिए आया हूं, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये अंधी गलियां खुद मुझसे पूछेगी, बता तुझको जाना कहां। वाह इंस्पेक्टर साहब, अच्छा तो हम चलता हूं, अगली मुलाकात में अच्छी तरह से जान पहचान हो जाएगी। नमस्ते चौधरी साहब, इसी मुलाकात में मैं आपको जान भी गया और पहचान। आप तो बादलों की तरह हैं जो अपनी बिजली को ठंडे पानी में छुपाए रखते हैं। हुजूर, चलो हमें नाइट राउंड मारना है। इतनी रात को हुजूर? क्यों? इस इलाके में पुलिस वाले को रात को बाहर जाने का हुक्म नहीं है हुजूर। किसका हुक्म है? कौन है वो लोग जो पुलिस को हुक्म देते हैं? वही लोग हुजूर जो रात के मालिक हैं। मेरी छोटी मुंह से उनका बड़ा नाम कैसे लूं हुजूर? रात को सिर्फ निशाचरी नहीं, देव भी निकलता है। मुझे एक आदमी का पता लगाना है, चलो मेरे साथ। जी हुजूर। अब तो रात भर ड्यूटी देना पड़ेगा, कहां फंस गए हैं। चलिए हुजूर। कीजिएगा, मैंने इतनी रात गए आप सब लोगों को सिर्फ इसलिए जगाया कि आप सबको यह पता चल जाए कि आप यहां भी कानून आ गया है और यहां के गैर कानूनी काम करने वाले होशियार हो जाए। अभी आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाकर सो जाइए। जाइए जाइए। एक मिनट। यहां सब घरों में रोशनी है, यहां अंधेरा क्यों? क्या कोई रहता नहीं? रहता है ना साहब, ये मास्टर वासुदेव जी का घर है, उनकी विधवा पत्नी यहां रहती हैं। वो साहब, वो मास्टर जी का किसी ट्रक ड्राइवर के हाथों खून हो गया था ना। इनका कोई और नहीं है? है ना साहब, उनका एक लड़का भी है, किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ है। सब रात बहुत हो गया, चलिए चलते हैं, कल आके पूछताछ कर लेंगे। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। माँ, माँ। रोहित, तू आ गया बेटा? आया तो आप ही का बेटा माँ, मगर मैं रोहित नहीं हूँ। ओह, घर में इतना अंधेरा क्यों है माँ? बस इस घर की रोशनी किसने बुझा दी है? रोहित कहाँ गया माँ? अपने बाप के हत्यारे को ढूंढने। ठीक है, जब तक वो मेरी ड्यूटी करने गया है तब तक मैं उसकी ड्यूटी करूंगा।